राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैटर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो ये बोर्ड जो हमारा है, जो भर्ती बोर्ड है, उसकी गलतियों के बारे में, वो कितनी गलतियाँ कर रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं यूपी पुलिस के पेपर में बोर्ड से बहुत बड़ी गलती हुई थी। एक पेपर दूसरी शिफ्ट में रिपीट होना छोटी मोटी गलती नहीं है। उन बच्चों का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है जो सेकंड मीटिंग के हैं और फर्स्ट मीटिंग वाले रह जाते हैं। अगर बोर्ड से ये गलती ना होती तो शायद अब तक रिजल्ट आ चुका होता और फिजिकल की डेट भी अनाउंस हो चुकी होती, मेरिट लग चुकी होती कब की। लेकिन हमारा भर्ती बोर्ड जो है गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहा है, कुछ लिमिट ही नहीं रह रही, इतनी गड़बड़ कर रहा है। मुख्यमंत्री जी गुस्सा भी है इस बात से, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अब भी वही काम कर रहा है, गलती पे गलती किए जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर का कुछ पता नहीं कब होना है कब नहीं, पिछले 1.5 साल से फॉर्म भरे रखे हैं उसके। यूपी पुलिस वाले के पेपर का ढंग नहीं बैठ रहा, और जी आपका 12 ऑपरेटर वाले का था, इसका भी पेपर कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी एक मतलब जो है लीक हो रहा था पेपर, इसमें धांधली चल रही थी, इसलिए ये भी कैंसिल कर दिया। अरे धांधली चलती भी तो स्टूडेंट्स इन्हीं की वजह से है ना। अगर ये कहीं से लीकेज ना होने दे तो किसको क्वेश्चन पेपर पता लग सकता है कि पेपर ये आएगा। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे जिक्र करने जा रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने हमारी एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो गलती नहीं, वो एक बहुत ही बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं है। 68,500 वाली जो हमारी टीचिंग की वैकेंसी आई थी, उसमें बोर्ड ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती की है, और मुख्यमंत्री जी भी गुस्सा है। अब वो गलती देखो उन्होंने क्या क्या कर रखी है। गलती जो है पेपर लीक के दोषी पर लगाए NSI योगी जी गुस्सा है, और वो कह रहे हैं कि पेपर लीक वालों को बिल्कुल जो है वो सजा मिलनी चाहिए बड़ी से बड़ी। वो योगी जी इस बात का गुस्सा है। अब पेपर जो है जो टीचिंग का, उसमें रिजल्ट में तो 22 नंबर है और उत्तर पुस्तिका में मिले 122 अंक। तो देखो यानी कि कितनी बड़ी धांधली है कि पेपर में 22 नंबर है उसमें मुझे 122 नंबर, और योगी जी ने एक ये पद खाली है, तो क्यों नहीं हो रही तेजी से भर्तियाँ। योगी जी हमारे गुस्सा है इस बात से, वो हमारे लोगों का साथ चाहते हैं, वो हम लोग जो नौकरी देना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन कुछ गलती हो रही है बोर्ड की तरफ से, ज़्यादा गलती हो रही है, और फिर बच्चे उसको हाईकोर्ट में लेके जाते हैं, आप सब जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो भर्ती बोर्ड है वो इतनी गलती कर रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं छोड़ रखी उसने। अब उत्तर पुस्तिका में तो 122 नंबर, रिजल्ट में 12 नंबर, कुछ ढंग है? जिस बंदे के 122 नंबर है उसके 12 नंबर का क्या मतलब है? ठीक है, इस तरह तो भर्ती कोर्ट में जाती है ना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स कर रहा है हमारा भर्ती बोर्ड। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं है बच्चों, ये बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते जा रहा है, कर रहा है बोर्ड, और इसको सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ये। इसको अगर सुधार लेते तो ये गलती नहीं होती भर्ती बोर्ड से कि पेपर दूसरे पेपर में रिपीट होता दूसरी शिफ्ट में। दोस्तों, ये जो मिस्टेक्स किए जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती है, छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही अवगत कराने जा रहा था कि हमारे भर्ती बोर्ड कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ कर रहा है अभी भी। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालूंगा, और जो भाई स्टडी मेटल फैमिली का मेंबर बनना चाहता है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके, और हम ग्रुप पे कुछ भी चीज़ हो तो मैं वो प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप पे, आप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का साथ मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।